जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत छुईया पहाड़ में संदिग्ध अवस्था में पत्थरों के बीच में छुपा एक शव देखा गया, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। तब मामले पर जांच करते हुए पुलिस की टीम ने चौंका देने वाला खुलासा किया और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि रीवा जिले के स्ट्रीट शूटर बदमाश विवेक तिवारी ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले दो युवक रवि तिवारी और विवेक नामदेव से मृतक का पुराना पैसों का लेन देन था, जिसके चलते परेशान होकर आरोपियों ने पहले तो मृतक विवेक तिवारी से मित्रता बढ़ाई और बाद में उसे सीधी ले जाने के बहाने पहाड़ ले जाकर उसकी चाकू से गूंथकर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मृतक की हत्या करने के बाद उसे पत्थरों से ढक दिया था, जिसके कारण दूर से भी कोई उसकी शव को ना देख सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों ने तत्काल जो है तीन टीम बना करके घटना स्थल पे भेजा उसको। हमारे लिए ये चुनौती थी कि वो लाश अज्ञात थी, वो किस व्यक्ति की है ये पता नहीं था। जब लाश पंचनामा हुआ, FSL फिंगरप्रिंट और अन्य जो पुलिस की टेक्निकल टीम थी वो जब वहाँ पहुंची और उसने जब उसका लाश का पंचनामा बनाया, तो पंचनामे के दौरान कुछ दस्तावेज मिले। उस दस्तावेज के आधार पर 4 घंटे के अंदर हमने पता कर लिया कि वो व्यक्ति कौन है।